यार हर साल लाखों लोग ब्लॉगिंग की फील्ड के अंदर आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% लोग ही ऑलमोस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाते हैं। 95% लोग यहाँ से निराश होकर ही जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको वो मेन रीजंस बताने वाला हूँ जिनकी वजह से एक बिगिनर ब्लॉगर पैसा नहीं कमा पाता है ब्लॉगिंग की फील्ड से, और उसी के साथ साथ मैं एक सोल्यूशन भी दूंगा जिसे अगर आप एज अ बिगिनर इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है वो इंप्रूव होगी और आप भी ये जो फेलिंग वाला सिनेरियो है वहां से निकलकर एक ढंग का मनी मेकिंग ब्लॉग बना पाओगे। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को यार लास्ट तक जरूर देखते रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल वेब बीज। तो गाइस, जो ब्लॉगिंग की फील्ड है ये बहुत पुरानी है, बहुत सारे लोग इसमें आए हैं, यहां से प्रॉफिट कमाया और आज के टाइम पे आ भी रहे हैं। लेकिन एक चीज देखी गई है, जो भी नए बंदे आते हैं यहां पर वो बहुत सारी मन में चीजें लेके आते हैं इस फील्ड के अंदर, और उसकी वजह से वो यहां से पैसा नहीं कमा पाते हैं और लास्ट में निराश होकर चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या वो चीजें रहती हैं जिन्हें अगर आप अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली ये जर्नी आपके लिए प्रॉफिटेबल तो बनेगी, साथ ही इसे आप एज अ फुल टाइम करियर भी ऑप्ट करोगे। वो सारे के सारे रीजंस और सॉल्यूशंस बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो यार डेफिनेटली लाइक भी कर देना। तो यार जो पहला रीजन है फेल होने का वो है कि ब्लॉगिंग को लोग गेम चेंजर मानते हैं एज कंपेयर टू अ हॉबी। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग की फील्ड में इसी वजह से आते हैं कि उनकी जॉब चली गई है या उन्हें जॉब में अनसर्टेनिटी दिख रही है या उनका करियर उन्हें पूरा डाउटफुल लग रहा है, तो वो सोचते हैं कि ब्लॉगिंग की फील्ड में आएंगे यहां से हमारी पूरी पूरी गेम चेंज हो जाएगी, रातों रात हम अंबानी से अंबानी बन जाएंगे। लेकिन जो ब्लॉगिंग है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी रीजन की वजह से जब लोग यहां पर आते हैं पैसे की तलाश में, उनको हर जगह से ठोकरें पड़ गई होती है। यहां पर जब वो आते हैं फिर उन्हें यहां पर टाइमली अर्निंग नहीं होती है, वो उतना ज्यादा यहां पर अपना जो माइंड है वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बस उन्हें यहां से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रहती है। यही रीजन रहता है कि 4-5 महीने ब्लॉगिंग करने के बाद बहुत सारे लोग ब्लॉग्स को छोड़ देते हैं और फिर 8-9 महीने बाद देखेंगे कि यार ये चीज तो चली नहीं, ये तो सब कुछ फेक है। और इस चीज में जहां पर दिमाग की कमी रह जाती है वो होता है यार निश। निश अगर आप सही ढंग से डिसाइड नहीं करोगे तो आप भी शायद ऐसे ही बीच में लड़खड़ा के ब्लॉगिंग को छोड़ दोगे। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आती है निश आइडियाज ढूंढने में, ढंग का निश नहीं मिल रहा है, तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं आपके साथ अपनी रिकमेंडेशन शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से बढ़िया निश रहेंगे आपके लिए काम स्टार्ट करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन बता देना, वीडियो आपके लिए आ जाएगा। तो यार जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज इंपेशेंस। इंपेशेंस बहुत बड़ी गलती है, मेरे साथ भी यार ये चीज हो रखी है, आपके साथ भी डेफिनेटली हो रही होगी। बहुत सारे लोग जो ब्लॉगिंग की फील्ड के अंदर आते हैं वो किसी बंदे को या किसी पर्सनैलिटी को इंस्पिरेशन लेके इस फील्ड के अंदर आते हैं। जब मैं ब्लॉगिंग में न्यू था तब मैं भी बहुत सारे लोगों के अर्निंग प्रूफ्स देखता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, ब्लॉग्स पढ़ता था और वहां से इंस्पिरेशन लेता था। जब मैं उस चीज को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करता था मुझे उतना ट्रैफिक नहीं आता था, उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, तो इस चीज से मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। मुझे अपना पहला डॉलर अर्न करने में 1.5 साल लग गया और उतनी देर तक मैं इतना इंपेशेंट था, कभी मैं इस एड कंपनी को ट्राई करता था, कभी मैं दूसरी एड कंपनी के पास गया, कभी तीसरे ही किसी नए निश में साइट स्टार्ट करी। ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस इंपेशेंस की वजह से उन्हें जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते, उन्हें वो चीज नहीं दिखती है जो चीज वो सोचकर आए थे, उसके वजह से वो ब्लॉगिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। मैंने वो चीज नहीं छोड़ी, मुझे 1.5 साल के बाद अपना पहला डॉलर मिला ऑनलाइन अर्निंग से और उसके बाद सब कुछ पीछे रह गया और मैं अब एक सक्सेसफुल ब्लॉगर हूं। मैं बोल सकता हूं कि मैंने अच्छा खासा यहां पर ग्रोथ कर लिया है, लेकिन अगर आप इसी इंपेशेंस को कंट्रोल करोगे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल ही नहीं रहेगी, आपको भी लगेगा यार कि 5 महीने हो गए कुछ रिजल्ट्स आए, 6 महीने हो गए कुछ तो हो, कुछ ट्रैफिक आए, कुछ पैसा आए, तो वो चीज जब ना हो तो उस फीलिंग पर अपना थोड़ा सा कंट्रोल करो। आने वाले दिनों में अगर आप मेहनत करते रहोगे डेफिनेटली 8-9 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन इंपेशेंट हो जाओगे तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी, फिर आप इस फील्ड को छोड़ दोगे और फिर ब्लॉगिंग आपके लिए फेलियर ही रह जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट रीजन है उसका नाम मैंने रखा है एक दिक्कत और सब कुछ ढेर। लोग यहां पर आते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से, मैंने भी वहीं से स्टार्ट करा है। वो ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं, वर्डप्रेस के बारे में जानते हैं, कंटेंट, एसईओ, बैकलिंक्स, कीवर्ड्स और भी बहुत कुछ जानते हैं, एडसेंस का अप्रूवल, एफिलिएट किस तरीके से होता है, वो सब जानने के बाद वो किसी भी जगह पर अगर रुकते हैं, स्टक करते हैं, तो वहीं पे सारा का सारा सामान फेंक के ढेर हो जाते हैं कि भाई इसके बाद काम नहीं हो रहा। ये चीज दिक्कत उन्हीं लोगों के साथ मेजरली मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है जिनके लिए वो चीज एज अ हॉबी नहीं होती है। अगर आपके लिए ब्लॉगिंग हॉबी रहेगा तो डेफिनेटली आप आज नहीं तो कल उस प्रॉब्लम को दोबारा से टैकल करते 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 उसका एक सोल्यूशन निकालोगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, सपोज एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा या उनकी साइट नहीं कनेक्ट हो रही, एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लग रहा, या फिर
और ही कोई दिक्कत जिसकी वजह से उनका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट होता नहीं है, किसी को देखकर वो यहां पर आए होते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, तो वो वहीं पर अपना सारा सामान फेंक के ढेर हो जाते हैं कि यार 100 रुपए की डोमेन ली थी, 500 की डोमेन ली थी, अब छोड़ो यार इतना दिमाग नहीं मुझसे लगता, कुछ और ही ट्राई करेंगे, ये सब तो ऐसे ही है। और यही रीजन रहता है कि लोग ब्लॉगिंग में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। सेम चीज मेरे साथ अभी करंटली हो रही है। मैंने एंड्रॉइड पे अच्छा खासा पढ़ के भी रखा हुआ है, मैं अभी एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा था और वहां पर मुझे एक दिक्कत आ गई, वो चीज सॉल्व मुझसे नहीं हो रही है, और अभी मुझे ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते हो गए मैंने उस सेम प्रॉब्लम की वजह से अभी एंड्रॉइड स्टूडियो खोला ही नहीं अपने लैपटॉप के ऊपर। आपके साथ यही सेम चीज ब्लॉगिंग के साथ भी होती होगी, वहां पर रुको मत, उसके लिए कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहो, वो प्रॉब्लम आपकी आज नहीं तो कल किसी की वीडियो देख के, आर्टिकल पढ़ के या फिर किसी पर्टिकुलर फोरम में जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कंटिन्यूसली हसल करते रहो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। मैं भी ट्राई करता हूं कि वो चीज फीलिंग मेरे अंदर ना आए, बट आ जाती है, लेकिन उससे लॉस मुझे ही हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है। यार यहां तक तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं कि कैसे एक बिगिनर ब्लॉगर ब्लॉगिंग की फील्ड में आके अच्छा पैसा भी कमा पाएगा और यहां पर सक्सेसफुल होने की दिशा में आगे भी बढ़ पाएगा। तो उसके लिए एकमात्र जो मुझे लगता है सोल्यूशन, वो ये है कि आप माइक्रो निश ब्लॉगिंग को ट्राई करो। अब माइक्रो निश ब्लॉगिंग में आप एक ब्लॉग भी बना सकते हो या फिर आप एक एफिलिएट ब्लॉग भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आर्टिकल लिख के एडसेंस से ही पैसा कमाना है, आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। इन्हें छोड़कर अगर आप एक नॉर्मल ब्लॉग पे भी टाइम दे सको, जो चीजें मैंने पहले बताई हैं उन तरीकों से, तो तब भी आप इस फील्ड में आ सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े से इंपेशेंट हो, आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपको देखना है कि ब्लॉगिंग आपके लिए है या नहीं, तो आपको माइक्रो निश ब्लॉग्स ऑब्वियसली स्टार्ट करने। माइक्रो निश ब्लॉग बनाने का बेनिफिट यह है कि आपको कम आर्टिकल्स लिखने, कम कंटेंट लिखना है, कम टाइम इन्वेस्ट करना है। विद इन 5-6 months आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहां पर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक फास्ट प्रोसेस है, अगर आप वो चीज करते हो तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा 6 महीने में कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और अगर आप सही ढंग से जाओगे, सही निश डिसाइड करोगे, एसईओ ढंग से करोगे और मोनेटाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो राइट वे में किया जाएगा, तो उस केस में आप यहां से डिसेंट मनी भी अर्न कर सकते हो। अगर आपको इन सबके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं अपने चैनल पर इसी के बारे में टाइम टू टाइम वीडियोज लेके आता रहता हूं और आने वाली वीडियोज में आपके साथ इन सब पर बहुत ज्यादा डिटेल में बातें भी करूंगा। तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि जैसे ही वीडियोस आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो यार ये थे वो रीजंस और पॉसिबल सॉल्यूशंस जो एक बिगिनर ब्लॉगर को ट्राई करना चाहिए ब्लॉगिंग में फेल ना होने के लिए। अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं देखता हूं कि क्या क्या रीजन रहते हैं। और इन्हें छोड़कर कोई और रीजन है जो आपको लगता है कि आपने क्यों ब्लॉगिंग को छोड़ दिया, वो भी बता देना ताकि बाकियों की भी मदद हो सके। और अभी के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने ब्लॉगर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले जो डीमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं यार कहां पे तिगड़म लड़ाएं, क्या करें ताकि ब्लॉगिंग में कुछ पैसा कमा सकें, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और इसी के साथ अगर आप मेरे लाइव प्रूफ्स देखना चाहते हो तो वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता हूं, इंस्टाग्राम पे मुझे डेफिनेटली फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।